कश्मीर के सामा सेक्टर में सीमा के पास सेना और सुरक्षा बलों के जवान एक बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना को सीमा पर आतंकियों द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन सेट के एक्टिव होने की भनक लगी है। सांबा जिले के उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में है जहां पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे यहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। आपको बताऊं ये वही इलाका है, वही एरिया है जहां पर जो सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था, एक थोराया सेट जो सैटेलाइट फोन रहता है वो यहां पर उसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस हुई, जिसके बाद जिससे आपको बता दूं कि ये पूरा जंगल का जो इलाका है वहां पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और आपको बता दूं जो थोराया सेट खास तौर पे इसकी जो मूवमेंट जो है यहां पे डिटेक्ट होने के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जब यहां पर सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया गया था उनसे भी जो है मेंढर सेक्टर जो पुंछ का पड़ता है वहां पर थोराया सेट की एक्टिविटी देखी गई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ। और अब यहां देखेंगे उसी के बाद से यहां पर भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये वही इलाका है, ये वही जंगल का इलाका है जहां पर आतंकियों ने उस सेटेलाइट फोन को जो है ऑन किया जो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के आतंकी पिछले कुछ समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है इंटरनेट सेवाएं जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। ऐसे में यहां आतंकी जो हैं सीधे तौर पर एक बड़ी जो घटना को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और फिर यहां पर सैटेलाइट फोन और अन्य तरीकों से कम्युनिकेट अपने जो आकाश से सरहद के पार बैठे हैं उनसे कर रहे हैं। और उन्हीं आतंकियों का सफाया करने के लिए लगातार सुरक्षा बल और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो जुटे हुए हैं। आप देखेंगे एक घने जंगल का इलाका है जिस इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अगर पिछले एक साल की बात करें 2020 में 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और जो मौजूद आतंकी थे उनको तो मार गिरा गया, मगर पाकिस्तान की मंशा यही कि सरहद के पार से किसी भी तरीके से जो है इन आतंकियों को जो है वो यहाँ तक पहुंचाया जा सके। और इधर कोरोना के नए खतरे के बाद ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कृषि कानूनों के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। और कुछ बड़ी खबरों के लिए देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ान जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के फैलने के खतरे को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी, कानपुर और लखनऊ के घरों पर ईडी ने छापेमारी की। उनके निजी ड्राइवर रामराज और छोटी के पास 200 करोड़ की संपत्ति पाई गई। उत्तर प्रदेश में चंदौली के कोर्ट परिसर में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में एक बाइक आकर जल गई।